वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आज के इस इवेंट में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का इवेंट आई साइन अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू है। आई वुड रिक्वेस्ट आई साइन फाउंडर्स टू कम ऑन स्टेज एंड डू द लैम्प लाइटिंग्स प्लीज। I'll also request our chief guest to please join Miss Iram, Mr. Akash, Miss Tanuja for the lamp lighting ceremony. I would request the founder members to escort our chief guest for the lamp lighting ceremony. Founder members of iSign campaign to come on stage and felicitate our chief guest. So firstly, I would request Miss Iram Faridi ma'am to come on stage. Can I please request Miss Manisha Joshi to join us on the stage so we can have the honors of felicitating you with our founders? I mean, huge round of applause for all of you. She's our guest of honor today. And ma'am, we are very happy to have you with us. Aapka bahut bahut shukriya aane ke liye. सेकेंड आई वुड लाइक टू कॉल मनीष सुल्तानिया सर जो कोल इंडस्ट्रियलिस्ट है। सर प्लीज थैंक यू फॉर कमिंग। आप प्लीज हमें स्टेज पे ज्वाइन करेंगे। सऊद अंसारी सर प्लीज अगर आप हमें स्टेज पे ज्वाइन करेंगे। ही इज ऑल्सो वन ऑफ अ गेस्ट ऑफ ऑनर्स। ही इज द DGM एट एयर इंडिया। सो प्लीज जोरदार तालियों से सऊद सर का भी स्वागत किया जाए। रोहित पांडे सर हमारे बीच हैं। रोहित पांडे सर प्लीज। एंड मिस्टर शशांक सिंह साही टू वी हैव यू विद अस सर प्लीज। रोहित जी प्लीज। नमस्कार, आप सभी को। मेरा नाम आकाश शुक्ला है और अप्राइज इंडिया इनिशिएटिव, एरम्स एंटरटेनमेंट और फिजियोस मेटिस की तरफ से हम ये एक छोटी सी मुहिम शुरू कर रहे हैं शिक्षा के प्रति। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे सभी गेस्ट ऑफ ऑनर्स का, हमारे चीफ गेस्ट का, रोहित जी जो कि एक जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और बार एसोसिएशन में वो सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। एंड हमारे साथ हैं मनीषा जी। मनीषा जी के बारे में जितना मैं बोलूँ वो कम है। स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई हैं और समाज के लिए ये बड़ा अच्छा काम कर रही हैं पॉलिटिशियन होते हुए भी। और हमारे बीच हैं मनीष सुल्तानिया जी जो जाने माने बिजनेसमैन हैं और अपना वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास ये आए हैं। और शुरुआत हमें जब करनी होती है तो सबका सहयोग चाहिए होता है और हम यहाँ पे एज अ फैमिली अपनी शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ सऊद अंसारी जी हैं जो एयर इंडिया में DGM हैं। सर बहुत बहुत बड़ा काम करने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं और सर ने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे पास आए और हमारी इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दे रहे हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ जिससे कि हम सभी समझ पाएँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो शिक्षा तो ज़रूरी है, हम सभी जानते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि शिक्षा सबको होनी चाहिए, साक्षरता सबको होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोगों को अडाप्ट कर लेते हैं और उनकी पूरी शिक्षा करा देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में से जो साक्षरता है वो बढ़ रही है, 100% नहीं हो रही है, होगी पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तो हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि हमारा जो हिस्सा है हम वो कर देते हैं। लिखना और एक पढ़ना वो एक ऐसा अधिकार है जो एक हर एक इंसान को, हर एक भारतवासी को आना चाहिए। और लिखना और पढ़ना ही नहीं, आज के डिजिटल ज़माने में लिखने और ना पढ़ने की वजह से लोग ऐसे भी हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है बट स्मार्टफोन यूज़ करना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। और लिखना पढ़ना नहीं आने की वजह से उनके साथ बहुत सारे स्कैम्स भी हो जाते हैं, बैंकों में भी होते हैं और फ़ोन में भी होते हैं। सो मेरी छोटी सी हमारी मुहिम है हमारी टीम के द्वारा कि हम इस कार्यक्रम के जरिए एक आई साइन नाम का कैंपेन हमने शुरू किया है जहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करना यानी कि उनका नाम लिखना, ये आपका पहला आइडेंटिटी है। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि उनका नाम उन्हें पता है, एक दूसरे को नाम से कन्वे करते हैं बट दे कैन नॉट राइट। हमारे लिए एक तरीके से बोला जाए कि ये बहुत ही शर्म की बात है।
कि अगर हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री होते हुए हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमें हमारा नाम लिखना नहीं पता, हम में से बहुत सारे लोग हैं, हमारे भारत देश के लोग हैं, तो कोशिश ये है कि पहली आइडेंटिटी जो आपका नाम है आप उसको तो लिखना सीखिए, आगे का हिस्सा आप कर लेंगे, आपकी शुरुआत हम करवाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि इरम जी जो हमारे साथ अपराइज इंडिया इनिशिएटिव में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और इरम्स एंटरटेनमेंट में प्रोड्यूसर भी हैं और फिल्में भी बनाती हैं, तो अपना वक्त निकाल के और इस तरीके के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूँ कि इरम प्लीज़, इससे पहले कि हम हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर से एक कार्यक्रम का एक्सपीरियंस और शुरुआत करें, इरम प्लीज़ यू टॉक अबाउट इट एंड हाउ डिड यू लाइक इट एंड व्हाई यू वांट टू डू इट, at least you tell them so that people understand your motive, please. Hello everyone, namaskar, assalamu alaikum, bahut bahut thank you. mere hisab se mujhe lagta hai ki time is money, to aapne yahan pe aakar hum sabko apna samay diya hai aur especially mere mentors jo mere saath itne saal se jude hue hain aur aaj wo mere paas hain, mere saath hain mere function mein, mujhe कहते हैं ना एक जोश देने के लिए आए हैं, तो मैं सबसे पहले उन सबको थैंक्स करूंगी। मिस्टर मनीष सुल्तानिया सर, थैंक यू सो मच। मिस्टर सऊद अंसारी सर, थैंक यू। मनीषा जी, रियली थैंक्स अ लॉट। रोहित पांडे सर एंड आशीष जी, थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे आज अपना जो मैंने फिर से समय की जो बात करी थी कि इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ सिक्योर होना। हम 2021 में तो हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हैं, आज भी बायोमेट्रिक के लिए हमारे अंगूठा जो हमारा था हमें यूज़ होता है, लेकिन मैं ये जो एक कहते ना छाप पड़ चुकी है हमारे भारत में कि ये अंगूठे का आज भी यूज़ सिग्नेचर करने में किया जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप आगे आने वाले समय को सोचें, ये कलयुग है, लोग बोलते हैं, मैं आप सबसे बात कर रही हूँ क्योंकि आप लोग को पता है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी इतनी मेहनत करके बनाता है, संपत्ति बनाता है, लेकिन वही अंगूठा अगर ज़बरदस्ती लगवा दिया जाए तो कितनी परेशानी हो सकती है इन फ्यूचर ऑल्सो। एक हमारी छोटी सी कोशिश है जो शायद एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी, मुझे पूरा यकीन है। तो मैं चाहती हूँ कि आई साइन का ये जो प्रोजेक्ट है जो हमने स्टार्ट किया है गोवा से, कानपुर से, दिल्ली से, और आप सबका आशीर्वाद रहा तो हम आगे भी जाकर बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्रों में, बहुत सिटीज़ में हम इस आई साइन मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आज जब आप लोग अपने घर जाएंगे तो आप अपने घर पे जाकर फ़ोन करेंगे और सबसे पूछेंगे, चाहे वो किसी भी तबके के लोग, क्या तुम्हें अपना हस्ताक्षर करना आता है। आप ये देखिए कि आपको खुद पता चलेगा कि जनसंख्या का जो भी प्रॉब्लम है, हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, लेकिन कहीं ना कहीं हस्ताक्षर जो है वो सबसे अहम चीज़ है। पुरुष या महिला को अपना हस्ताक्षर करना आना चाहिए। तो मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान नाम के इस टैग से, इस इंस्टाग्राम या फॉलोवर की जो डिजिटल मीडिया है इससे मैं स्टार्ट करती हूँ। और आई साइन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है मिस्टर आकाश शुक्ला, जो कि अपराइज इंडिया इनिशिएटिव के फाउंडर हैं, डॉक्टर तनुजा रंगनाथन, जो कि फिजियोस्मेटिक्स नाम की एक अनोखी क्लिनिक जो इंडिया में फर्स्ट आई है, स्पोर्ट्स क्लिनिक है, इस क्लिनिक की वो फाउंडर है, ओनर है। मैं खुद इरम्स एंटरटेनमेंट की फाउंडर, MD और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से मैं जुड़ी हुई हूँ, माशीला देवी संस्था से। फिलहाल मेरा जो इंट्रोडक्शन इतना है कि मैं आई साइन की अम्बेसडर हूँ, एंड स्पेशल क्रेडिट गोज टू मिस्टर HN सर, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया और इस वजह से आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि आज हम सब ये हस्ताक्षर करने की जो मुहिम हो है उसको आगे बढ़ाएं और इसकी महत्वपूर्णता को समझें। तो थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। नाउ आई वांट टू हैव तनुजा जी ऑन द माइक टू टेल अस अबाउट योर इंस्पिरेशन फॉर दिस कैंपेन। नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच आप लोग इधर आए, और थैंक यू आप लोग जिसने एक जो मुहिम हमने उठाया है उसके लिए। आप लोग जैसे ही चाहिए, जिसके अंदर बहुत जुनून हो कुछ करने के लिए, तो थैंक यू सो मच, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट।
आई स्टार्ट विद एवरीबडी, आई थिंक जितनी तारीफ करें कम है, लाइफ में आप लोग से सीखते हैं हम लोग और सीखते जाएंगे. यू आर टू इंस्पिरेशंस हु इज़ टीचिंग अस हाउ टू ग्रो इन लाइफ एंड दैट टू इन टू अ राइटियस एस्पेक्ट. सो शुरुआत हमेशा हमारे परिवार से होता है, फैमिली से. आप, मैं बहुत प्रिविलेज हूँ कि मैं बोलती हूँ कि मेरी फैमिली है. चाहे मेरे मम्मी पापा नहीं पढ़े होंगे लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया, तो जो उनके अंदर का वो जुनून है, जो उनके अंदर वो हमें बढ़ाने का है, वो बहुत प्राउड होता है. जब डॉक्टर बोलते हैं या हम कभी कि कुछ भी बोलते हैं, आप हमेशा अपने बच्चों के लिए करते आए हैं. यही हमारी भारतीय होने की एक छवि है सब पर, और इससे हम बहुत प्राउड फील करते हैं. आई साइन कैंपेन है, मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं कम्युनिटी हेड हूँ, जहाँ पे मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ उतनी मैं आप लोगों के लिए और पूरे टीम के साथ में हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको हस्ताक्षर आए. हस्ताक्षर का इम्पोर्टेंस आपको पता है, क्या ज़रूरत होती है, कहाँ नहीं ज़रूरत होती है. पढ़ाई, कभी कभी पढ़ाई किसी को मिलती नहीं है किसी कारण की वजह से, किसी को कोई भी सिचुएशन की वजह से. अब इतना तो नहीं कि हम आपको पूरा PhD पढ़ा दें, सब कुछ कर सकते हैं. छोटी सी एक हस्ताक्षर से शुरू करते हैं. ये नींव है हमारी और इसकी पूरी बिल्डिंग आप लोग बनाएंगे. और सच बोलूं तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि कम से कम आप में से कोई एक जने जाएगा इस मुस्कान के साथ में और अपने अगले 10 इंसान को बोलेगा कि आप अपनी पहचान बनाइए. अपने पहचान या तो नाम से या काम से होता है, और आपका नाम आपकी पहचान है, इसीलिए मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान. थैंक यू. थैंक यू सो मच तनुजा जी. आप सभी लोगों को मैं इस कैंपेन का एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी बताना चाहता हूँ, और ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जैसे महान लोगों को हमने बुलाया क्यों है यहाँ पे, तो शायद लोगों को भी पता चले कि ये क्या हो रहा है. तो बेसिकली अगर हम बात करें, बैंकों में आज भी लोग अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे. इनमें से कोई है पीछे, कोई करता है? नहीं. लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बैंकों में यू नो अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं. अगर अभी तो हमारा तो बैंकों में इतना विजिट होता नहीं है बिकॉज वी आर डिजिटल नाउ. सो बट वेन एवर आई विजिट बैंक आई स्टिल सी पीपल कि वो अंगूठा भी लगा रहे हैं, एट द सेम टाइम अगर वो कैश निकालते हैं तो दूसरे को काउंट करने को देते हैं. यू नो, कैन यू काउंट, कैन यू फिल फॉर्म फॉर मी. ऐसे बहुत लोग हैं जो दूसरे से फॉर्म भरवा लेते हैं. अब जरा सोचिए कि वो दूसरा कुछ भी भरता है और वो अगर वो नोट में से एक नोट स्किप भी कर देता है तो हाउ डू दे नो? उनको लगता है कि ये बैंकर ने हमसे चीट किया हुआ है. तो उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर हम उनको सिग्नेचर करना बता दें, उनका नाम लिख, सिग्नेचर करना बताने से मतलब उनको ड्रॉइंग करना बताना नहीं है. दे शुड अंडरस्टैंड दैट इज देयर आइडेंटिटी एंड दैट इज साइन. तो एज फार एज आई डोंट नो मच अबाउट लीगल थिंग्स, हमने इसीलिए लीगल के लोगों को बुलाया हुआ है सो दैट वी, मैं गलत हूँ तो आप हमें सही कर सकें. सो अगर हम अंगूठे की जगह साइन को रिप्लेस करेंगे तो आई थिंक दैट चेंजेस द रजिस्ट्री ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इजंट इट मैम? ऐसा होता है कि अब अंगूठे से नहीं, अब आपका काम साइन से होगा, ऐसा किया जाता है? इज देर एनी लीगल प्रोसेस सर? आई वुड लाइक टू टेक योर कन्फर्मेशन. सो इस तरीके से कोई भी प्रोसेस होगा जहाँ पे अब वो अंगूठा नहीं, अब वो सिग्नेचर करने के साथ में उनकी सारी चीज़ें वैलिडेट होंगी. तो इतना ही नहीं, अब और भी प्रॉब्लम्स क्या है कि आज हमारे, हम डिजिटल इंडिया की तो बात करते हैं, हमने गांव-गांव में 4G इंटरनेट और हमने स्मार्टफोन दे दिया है, बट 90% ऑफ द यूथ इज यूजिंग स्मार्टफोन्स फॉर द सोशल मीडिया, फॉर यूट्यूब. दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट. दे कैन टेक डिग्रीज, दे कैन डू लॉट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये जो दुरुपयोग हो रहा है टेक्नोलॉजी का, अगर हम थोड़ा सा अवेयरनेस करें उनको सिखाने का, उनको बताने का, दैट हाउ यू कैन यूज, हाउ कैन यू रीड एंड राइट एंड अंडरस्टैंड, एंड द मोमेंट दे रीड एंड राइट एंड अंडरस्टैंड दे कैन यूज टेक्नोलॉजी इन अ वे दैट विल चेंज देयर एंटायर लाइफ. दैट इज द होल आइडिया अबाउट इट. अब मैं चाहता हूँ कि मतलब हमारे साथ, हमने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि इंस्पायर शायद मैं नहीं कर सकता हूँ, आप लोग पब्लिक फेसेस हैं, आप सारे लोग, मैम रोहित जी, मनीषा जी एंड सर मनीष जी, सब आप लोग पब्लिक फेसेस हैं. व्हेन यू टेल पीपल देन दे गेट इंस्पायर्ड. सो दैट इज द अल्टीमेट मोटो फॉर अस. व्हेन यू टेल देम सी दिस इज हाउ यू साइन,
take this and see, this is how you sign, this is your name. So that is how they will tell other people, and that is how we are going to, you know, make impact in the society. So ye hamara kartavya hai, hum puri zimmedari prithvi ki to nahi le sakte ki hum pura samaj change karne baithe ya desh change karne baithe, lekin hum jitna kar sakte hain wo karenge. So ye shuruaat hai, ab hum kya process karne wale hain, kis tarike se sir batayenge, so ek ek karke I will request. So Manish ji, please aap please stage pe aaiye aur hame bataiye ki hum isme aur kaise aage badh sakte hain aur hum kis tarike se help ki jaye logon ki, please. Thank you, Akash, Iram, Tanu, and everyone present here. बहुत अच्छा मिशन है आई साइन, मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान. सुनकर ही मैंने इरम को पहली बार में हाँ बोल दिया था कि आप इसको करो और मेरी जहाँ जो भी हेल्प चाहिए मैं इस ग्रुप के साथ हूँ, इस लोगों के साथ हूँ. जो लोगो मीन्स माई साइन, माई मेरा हस्ताक्षर. आपको फोकस करना पड़ेगा, हम सबको फोकस करना पड़ेगा, नॉट आप. स्पेशली विलेजेस में कुछ एक अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स भी कोशिश कर रही है कि रूरल एरिया में लोगों को शिक्षित किया जाए. तो एटलीस्ट साइन करना तो आना ही चाहिए जी. मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान, कम से कम अपना नाम लिख सके, इससे इंस्पायर होके जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, जो उनकी अगली पीढ़ी आने वाली है, कम से कम वो भी ये जाने कि आज मेरे पिताजी या मेरी माँ जो मजदूरी करते हैं या ऑटो चलाते हैं, कल अंगूठा लगा के बैंक से पैसा निकाल रहे थे और आज साइन करके निकाल रहे हैं, तो साइन की इम्पोर्टेंस उन बच्चों को समझ में आएगी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइन. सो आप प्लीज़ इस कंपेन को, वही जो आकाश जी ने बोला, वर्ल्ड वाइड तो हम नहीं चला सकते लेकिन ज़रूरत हमारे देश को है बहुत ज़्यादा. तो आप प्लीज़ इसको आगे बढ़ाते रहिए और हम सब, मैं आपके साथ हूँ, आपकी टीम के साथ हूँ, कहीं भी किसी भी समय और किसी भी रूप में आई एम विथ यू. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इंस्पिरेशन, फॉर काइंड वर्ड्स फॉर अस. सर साउथ सर, आप भी प्लीज. नमस्कार, थैंक यू वेरी मच इरम, तनु एंड ऑल द पीपल हु आर प्रेजेंट हियर. And I feel very honored today that I am here. कुछ तो हम लोग different कर सकते हैं. मोदी जी एक चीज़ कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास. तो मैं उसी चीज़ को, उसी पंक्ति को लेके चलूँगी कि सबका प्रयास, बिकॉज आई साइन कैंपेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग. आप जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, आप लोगों को आना चाहिए और आप लोगों को आई साइन के बाद मेरे हिसाब से एक और कैंपेन चलाना चाहिए कि पढ़ना भी आना चाहिए. सो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप लोगों के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं. दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, दैट यू नो वी कैन जस्ट ट्राई ऑन एवरी लेवल. सो टुडे वी स्टार्ट, टुमारो वी डोंट नो कि आप में से आप आज घर जाएंगी साइन यहाँ पे सीखेंगी और क्या पता आपको आता भी हो, तो क्या पता आप 10 जनों को ये बताएंगी, 10 जने फिर उनको आगे, वो आगे चेन चलता रहेगा. चेन किसको बोला जाता है, हम जुड़ते चले जाते हैं. काफिला कब बन गया तो हमें पता ही नहीं चलता. सो ईच वन ऑफ अस इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल. सो आई थिंक हम लोगों को कुछ ना कुछ डिफरेंट करते चले जाना चाहिए और देश के लिए और खुद के लिए. सबसे पहली बात है, आप शिक्षित हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं. आप कुछ बने होंगे तो किसी को बना सकते हो ना. सो इट्स नॉट दैट ये डेवलप हो जाए, देश डेवलप हो जाए. कब डेवलप होगा, व्हेन यू आर डेवलप, जब आप खुद में कुछ हैं तो. सो आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू पुट इट्स ओन एफर्ट कि पहले हम सुधर जाएँ, पहले हम सीख लें, हम कुछ करें, फिर किसी से करवाने की अपेक्षा रख सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स, आई फील रियली ऑनर्ड हियर. थैंक यू, थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड. रोहित जी, रोहित सर प्लीज, नो यू हैव टू गिव सम गाइडेंस, प्लीज गाइड मी, प्लीज टीच मी. सो लीडर कम्स फॉरवर्ड. बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी को, आकाश जी को और तनिजा को मुझे यहाँ इनवाइट किया. यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुझे लगता है कि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, लोग बुलाए भी गए हैं जिनको बताना ये ज़रूरी है कि हस्ताक्षर का मायने क्या है और हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में कितना रोल है इसका. देखिए मैं आपको बताऊँ, ये सिग्नेचर हस्ताक्षर, ये
ये जीवन का एक ऐसा अहम चीज है, अगर हम इसको करना नहीं सीखेंगे तो हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। लोग यहां बैठे हैं हमें बरगलाने के लिए, गलत राह पे ले जाने के लिए, आपकी बनाई हुई, आपकी पूर्वजों की बनाई हुई चीजों को हड़पने के लिए। अगर आप हस्ताक्षर करना नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन सब चीजों के भुक्तभोगी होंगे जो आज समाज, ये देश झेल भी रहा है, जो वो लोग जो ताक में बैठे हैं आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर देख रहे हैं, आपके घर को लेकर देख रहे हैं, आपके बनाई हुई गाड़ी कमाई की खून पसीने की बनाई हुई चीज़ों को देख रहे हैं, वो ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा मौका आएगा, अगर हम हस्ताक्षर सीखेंगे नहीं करना तो ऐसा समय आएगा जिससे कि आप हमारे पास आएंगे। हमारे पास का मतलब हुआ उन लोगों के पास आएंगे, कोर्ट में जाएंगे, लॉयर के पास जाएंगे, थाने में जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे। ऐसा मौका आपको नहीं देना है, आपको सीखना है। आज इरम जी ने, आज आकाश जी ने, तनुजा जी ने जो आई साइन का जो एक मुहिम छेड़ा है, इसके पीछे पर्पज यही है कि हमें एटलीस्ट कम से कम हस्ताक्षर करना आना चाहिए, हमें उतना तो सीख लेना चाहिए। क्योंकि तो देखिए, अंगूठा लगाना, अंगूठा इज फाइनल, वो आखिरी है। अगर अंगूठा एक बार लग गया तो वो माना जाता है कि वो, अगर आप फोरेंसिक में भी भेजेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने अपनी कंसेंट से अंगूठा लगाया। और अगर आपने कह दिया किसी को कि हम अंगूठा नहीं लगाते, हम सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तो उसका एटलीस्ट कम से कम अगर की मर्जी नहीं है तो जबरदस्ती नहीं कर सकता। और अगर जबरदस्ती ले भी लिया तो उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं आप, क्योंकि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होता है उसके लिए। आपको अगर बाद में जब उस ऐसे माहौल में आप होते हैं, उसके बाद भी आपको ये लगता है कि नहीं, अब इसे हमें चैलेंज करना है, जबरदस्ती किसी ने हमारे साथ से गलत किया है और सिग्नेचर लिया है, तो आप उसको चैलेंज करेंगे। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट में जाता है, उसका एक अलग सेक्शन है जिसमें आपको वो आपसे नमूने लेगा, वो एग्जाम्पल लेगा वो, और उसमें चेक करेगा, फिर उसके बाद वो वेरीफाई करेगा कि आपने जो सिग्नेचर किया था किस दबाव में किया था। उसके कई मेथड हैं, तो आप वहां बच सकते हैं अगर कोई आपके साथ जबरदस्ती किया है। फोरेंसिक लैब में जाता है वो, वहां चेक होता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो टेक्निकल चीजें हैं जो हमें समझना है। ये हमने आपको इसलिए बताया कि ये आने वाले समय में, देखिए अब तो डिजिटल इंडिया हो गया है, अब सिर्फ जो है इसके दूसरा जो स्टेप बताया कि इसके बाद एजुकेशन की जो बात की कि आई साइन और सिग्नेचर करने की मुहिम क्यों उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रताड़ित किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल हो रहे हैं। इस वजह से लोगों के जानना बहुत जरूरी है। तो आज जो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप लोगों को बुला करके और जगह जगह जा करके तमाम ऐसे स्टेट में, जिलों में जा करके काम कर रही है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अवार्ड के हकदार हैं और इनको इनाम मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को और बढ़ावा देना चाहिए। मेरे जैसे लोगों को, जो मुझे लगता है कि आज यहाँ पे आकर के मुझे खुशी है इस बात की कि इतनी छोटी चीज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लाके और इतने बड़े लेवल पे लेके जाके अगर ये लोग कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत होगी आपकी, और बहुत सारे लोग इससे समाज में का सुधार आएगा, विकास होगा लोगों में। जो आज जो है इलिटरेसी है, आज जो लोगों में साक्षरता उतनी मजबूत नहीं हुई है, उनको कहीं ना कहीं ये मजबूती मिलेगी। मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि घर घर जा करके, गांव गांव जा करके हमें उन लोगों को सिग्नेचर कराना कैसे सीखा जाएगा, कैसे बनाया जाना है और उसके फ़ायदे क्या है, ये हमें घर घर तक पहुँचाना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान, ये देखिए ये स्लोगन है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो यहाँ पे लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग उन लोगों के साथ मिलकर हम सभी को जाके गांव को जा करके मेरा हस्ताक्षर और मेरी पहचान को हमें आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। सारी टेक्निकल और लीगल चीज़ें जब एक्सपर्ट बता दे तो क्लियर समझ आ जाती है, तो बहुत अच्छे से आपने समझाया। आगे पैनलिस्ट का फीडबैक लेने से पहले मैं एक चीज़ और कन्वे करना चाहता हूँ आप सभी लोगों को।
अगर देखा जाए साक्षरता में तो महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। हमें और हम मैं ये मेरा ये मानना है पर्सनली कि हम लोगों को जब हम चैरिटी करने की बात सोचते हैं तो हम लोगों के प्रति सिंपैथी की बात सोचते हैं, दया की बात सोचते हैं। ये बहुत ही गलत भाव है ऐसा मैं मानता हूँ। हम दया करके उनको कुछ दे देते हैं, उससे पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, उससे प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है, हम प्रॉब्लम को और बुरी तरीके से बढ़ाते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। हमारा मानना ऐसा है कि जहाँ पे हमें ऐसी प्रॉब्लम दिखती है हमें उस प्रॉब्लम को यानी कि हमें लोगों को सशक्त करना चाहिए। जब आप किसी को मदद कर देते हो वंस एंड आप उसको भूल जाते हो फिर वो वापस उसकी हैबिट हो जाती है मदद मांगने की। तो हमारी कोशिश ये है कि जब शिक्षित हो जाएगा तो मदद मांगने की हैबिट। अब अगर महिलाओं की बात करते हैं, देखिए मुझे ऐसा मानना है रोहित जी, हमने ही दर्द दिया और हम ही दवा बना रहे हैं। हम बोलते हैं हम महिला एम्पावरमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं चैरिटी महिला एम्पावरमेंट है ना, मेरे को इस महिला एम्पावरमेंट शब्द से ही नफरत है। आप किसको एम्पावर कर रहे हो, जिसने प्रकृति को जन्म दिया है, जो जन्म देती है। हमने दर्द दिया कैसे है, क्यों? हम पहले शक्ति बोलते थे, अब शक्ति से हम इस नौबत पे आ गए हैं कि बोलते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो अत्याचार तक शक्ति से अनंत काल से, जब शक्ति यानी कि हम नाम अगर लें तो राम सीता सीताराम और राधा किशन, हम महिलाओं को पहले रखते हैं। इनफैक्ट अगर आप सात सुरों की बात करें तो सा रे गा मा फिर पा, तो महिला पहले थी, पहले ही थी, लेकिन हमने इस तरीके को समाज को बना दिया है और बहुत सारी डिफिकल्टीज क्रिएट हुई हैं। तो शिक्षा के जरिए ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हम चाहते हैं शशांक जी आपका भी ओपिनियन दीजिए इस पूरे हमारे कैंपेन। या थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। थैंक यू सो मच इरम जी, तनुजा जी एंड आकाश जी टू टेक दिस इनिशिएटिव इन सच वे। मुझे ये लगता है कि मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान जो कैंपेन है, सो आई फील दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीबडी हु इज़ इलिटरेट। व्हाट आई फील इज़ सो आई एम फ्रॉम टूरिज्म बैकग्राउंड। मेरे पास जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं तो दे फील कि हिंदुस्तान जो है वो काफ़ी इलिटरेट है और शायद मेरे ख्याल से 30-40% जो जनता है हमारे हिंदुस्तान की, सो दे फील कि उनमें लिटरेसी नहीं है। इस इनिशिएटिव के द्वारा मैं इन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इरम जी, तनुजा जी और आकाश जी को, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। इससे मेरे हिंदुस्तान की पहचान जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाएगी, नो डाउट अबाउट इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ और बोलूँगा नहीं, बिकॉज होल थिंग इन वन वर्ड। सो मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान है। थैंक यू सो मच, यू नो, आप लोगों की ये मेरे ख्याल से सभी लोगों को शायद इनिशिएटिव ये लेना चाहिए अपने गाँव में और अपने परिवार में जाके और यू नो सबको प्रोत्साहित करें कि हम सबको पढ़ना लिखना जरूरी है और एटलीस्ट कम से कम हस्ताक्षर तो जरूरी है सबके लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। और मेरे ख्याल से एवरीबडी वुड लाइक टू से थैंक यू टू बोथ ऑफ आई मीन थ्री ऑफ यू। मेरे लायक कोई सेवा और सभी की तरफ से मैं आप बोलना चाहूँगा कि हमारे लिए कोई भी सेवा हो तो प्लीज़ डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच। तो शशांक जी, अगर सेवा की बात करें तो आप बस कुछ लोगों को आप भी हस्ताक्षर सिखा देंगे तो बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी समाज की, और उतना ही काफ़ी है। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज एक एनजीओ हमारे साथ में है जिनका नाम है नाइस फ्यूचर लाइफ एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट सोसाइटी। सो इस एनजीओ से कई लोग हमारे पास आए हैं तो हम यहाँ प्रत्यक्ष उन लोगों के साथ हमारी टीम उनको उनका नाम लिखना बताएंगे और जिनको आता भी है वो दूसरों को बता सकें कि इस तरीके की कुछ मुहिम है और आप इस मुहिम से जुड़ें। और हर एक इंसान एक दो इंसानों को भी बता देगा कि आप अपना नाम लिखना सीखे और पढ़ना सीखे तो उतना ही हमारे लिए बहुत हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कुछ लोगों को एनजीओ से बुलाया जाए, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एनजीओ कैन कम फॉरवर्ड एंड ब्रिंग द पीपल ऑन द स्टेज। एंड आई वुड रिक्वेस्ट इरम जी टू कम फॉरवर्ड ऑन द स्टेज।